गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो हम लोग कर रहे थे हम लोग कर रहे थे सितंबर दो हजार उन्नीस का पेपर राइट right? उसमें अभी हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स से Let PT denote the value at time T of a European put option on a non dividend paying share. Just hold on for a minute. Yeah. Okay. Let PT denote the value at time T of a European put option on a non dividend paying share ST with maturity at time T and a strike price K. The risk free rate of interest is R. डेराइव द लोअर बाउंड फॉर पी टी इन टर्म्स ऑफ एस टी एंड के ठीक है एक्सप्लेन हाउ द लोअर बाउंड वुड चेंज इफ पी टी वेर एन अमेरिकन पुट ऑप्शन सो बेसिकली हम लोग को लोअर बाउंड निकालने बोला है पुट ऑप्शन के लिए ठीक है सो so हम लोग क्या कर रहे हैं एक जो पोर्टफोलियो है उसमें हम लोग रख रहे हैं पुट ऑप्शन और शेयर एंड दूसरा जो है उसमें हम लोग लिख रहे हैं के ई टू दी पर माइनस आर टी माइनस टी कैश ठीक है सो बेसिकली शेयर का क्या हो जाएगा एस टी एंडपुट का क्या हो जाएगा के माइनस एस टी राइट सो दिस इज प्लस मैक्स ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो सो दिस इज मैक्स ऑफ के कॉमा एस टी और यहां पर मेरा क्या आएगा के ना अब इसको हम लोग सॉल्व करें अगर इफ एस टी इज लेस देन के इफ एस टी इज लेस देन के देन इट्स के इफ एस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के देन इट इज एस टी तो इसका मतलब क्या है मिनिमम के तो हो ही रहा है मिनिमम के तो मेरा हो ही रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पी टी प्लस एस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ई टू दी पावर माइनस आर टी माइनस टी ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं टाइम टी पे पोर्टफोलियो विद दी ऑप्शन एंड द शेयर विल बी वर्थ एट लीस्ट एज मच एज कैश मतलब इन दोनों ही केसेस में देखो ना जब एस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के तो एस टी हो रहा है ना तो के से तो ज्यादा ही है के से तो ज्यादा ही है ठीक है ओके अब जैसे क्या है हम लोग बोलते एक्सप्लेन हाउ द लोअर बाउंड वुड चेंज इफ पीटी टी वेर एन अमेरिकन ऑप्शन ठीक है सो इफ पीटी वेर एन अमेरिकन ऑप्शन इफ पीटी वेर एन अमेरिकन ऑप्शन तो हम लोग का क्या हो जाता पीटी प्लस ये वाला मैंने देखो कराया भी है मैं बता देता हूं आपको मैट में इंस्टीट्यूट के मैट में चैप्टर नंबर ट्वेल्व में ये सारा कुछ दिया हुआ अगर अमेरिकन ऑप्शन है देखो ना दिया हुआ यहां पर अमेरिकन हम लोग को क्या बोला है हम लोग को बोल रहे हैं बाउंड ना हम लोग को बोला है इसमें कि हम लोग को निकालना है लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड के लिए अब जैसे पीटी क्योंकि एक्सरसाइज पॉसिबल है एग्जामिनर रिपोर्ट में गलत दिया हुआ एक्चुअली सो यहां पर आएगा मेरा पीटी टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस एस टी ठीक है सो so, ये आएगा हम लोग का द पुट ऑप्शन पीटी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्राइक प्राइस दे दिया है टाइम टू एक्सपायरी दे दिया है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फोर परसेंट कैलकुलेटेड अपर बाउंड फॉर द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन पीटी तो हम लोग को अपर बाउंड निकालने बोल रहा है सो अपर बाउंड तो बहुत सिंपल है अपर बाउंड तुम्हारा यूरोपियन पुट के लिए यूरोपियन पुट देखो चैप्टर नंबर ट्वेल्व में सारा दिया हुआ है तो पी टी शुड बी लेस देन इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी ठीक है ये चार अपर बाउंड और चार लोअर बाउंड सब लोग अच्छे से देख लिया करो अब हम लोग को अपर बाउंड निकालने बोल रहे हैं ना सब कैसे करेंगे हम लोग को यहां पर स्ट्राइक प्राइस दे दिया है हंड्रेड सो हंड्रेड ई टू दी पर माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर ठीक है तो हम लोग मान लेंगे कि ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट है तो यहां से आ जाएगा एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर द ऑप्शन प्राइस टू अप्रोच द अपर बाउंड द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन विल बी मैक्सिमाइज इफ अंडरलाइंग एसेट इज वर्थलेस एट एक्सपायरी मैंने समझ गया ये वाला मेरा ग्राफ देखो एक बार पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया तो यहां से जब ये ऐसे जाएगा ना यहां से ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है यहां से ये यह ऐसे जाएगा मतलब जब शेयर प्राइस मेरा जीरो होगा ना तब उसका मैक्सिमम ऑप्टेन होगा पुट में बिकॉज नीचे जाने से डिफरेंस आएगा ठीक है मैक्सिमाइज मैक्सिमम कब आएगा इफ वर्थलेस एसेट इज वर्थलेस एट एक्सपायरी ठीक है ना ओके okay. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन में आओ अ मार्केट दैट सैटिस्फाइज द सीएपीएम मॉडल कॉम्प्राइजेस एंड एसेट्स let the random return on asset i be denoted by ri the expected return by small ri and the corresponding returns for the market portfolio by rm and rm okay so basically random return is capital and expected is small pi i be the proportion of asset i in the market portfolio define beta i algebraically in this market बीटा आई एलजेब्रिकली इन दिस मार्केट राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन दिस मार्केट इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ एनी एडिशनल नोटेशन दैट यू यूज शो दैट समेशन पाई आई बीटा आई इज इक्वल टू वन कंसिडर अ मार्केट वेर एन इज फोर दैट इज देर आर फोर एसेट्स इन द मार्केट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ठीक है एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दिए वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स दे दिए वेरियंस ऑफ द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज एट बाई फाइव परसेंटेज स्क्वाट दसेट इन दार्केट पोर्टफोलियो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा निकालने बोला है बहुत अच्छा क्वेश्चन थेरी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है पोर्टफोलियो थेरी पे सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिकली डिफाइन करने बोला बीटा आई तो बीटा का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है सो दैट इज को आर आई आर एम बाय वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट ठीक है उसके बाद में राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मार्केट इंक्लूडिंग अ डेफिनेशन ऑफ एनी एडिशनल नोटेशन दैट यू यूज सो हम लोग क्या बोल सकते हैं आर आई माइनस आर एफ इज इक्वल टू बीटा आई आर एम माइनस आर एफ आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ठीक है फिर हम लोग को बोल रहे शो दैट समीशन पाई आई इज़ वन ठीक है सो so, इसके लिए हम लोग को आर एम क्या हो जाएगा आर एम क्या हो जाएगा समीशन ई आर आई ठीक है सो वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न ए समेसन पाईआई को वेरियंस आर आई आर एम वेरियंस क्या होता है वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस टू इंटू वेट इंटू वेट इंटू को वेरियंस अगर दो एसेट तो, है तो ठीक है ये क्या है पाईआई मेरा क्या है देखो यहां पर दिया हुआ पाईआई मेरा है प्रपोर्शन ऑफ एसेट आई इन दी मार्केट पोर्टफोलियो तो सो पाईआई मेरा क्या हो गया पाईआई मेरा वेट हो गया पाईआई मेरा वेट हो गया ठीक है सो समेशन समेषन पाईआई बीटा आई इज़ इक्वल टू समेशन पाई आई को वेरियंस आर आई आर एम बाय वेरियंट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट समझ गया कुछ नहीं किया मैंने पाई आई बीटा आई सो बीटा आई का जो वैल्यू था बस खाली मैंने वो रिप्लेस कर दिया है सो दिस इज अगेन ऊपर वाला मेरे को पता है दिस इज वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट बाय वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट सो दिस इज अगेन वन ठीक है ना क्लियर है एकदम बहुत सिंपल था ये वेरियंट ऑफ मार्केट वेरिएंस ऑफ मार्केट जो है ध्यान देना ये कैसे आ रहा है प्रपोर्शन इंटू को वेरियंस और यह ऐसे ही आता है ठीक है पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे आता है वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस टू इंटू वेट इंटू वेट इंटू को वेरियंस ठीक है सो so बेसिकली अब चार एसेट्स है कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ ईच एसेट इन दी मार्केट पोर्टफोलियो प्रपोर्शन ऑफ ईच एसेट इन दी मार्केट पोर्टफोलियो सो मेरा जो पाई वन है पाई वन मेरे को देखो ना दे दिया परसेंटेज ये सब तो दे दिया है चार है फिर दो, दो दो है सो टोटल में तुम्हारा दस है सो पहले वाले में क्या आएगा पहले वाले में आएगा तुम्हारा फोर बाय टेन और फिर पाई टू पाई थ्री पाई फोर ये सब में क्या आएगा दो बाय दस ठीक है हम लोग को बोला है बीटा वन बीटा टू बीटा निकालने और आर एम सब निकालने बोला है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे को आर वन कॉमा आर एम सो दिस इज नथिंग बट टू बाय फाइव इंटू फोर प्लस वन बाय फाइव इंटू वन प्लस वन बाय फाइव इंटू वन प्लस वन बाय फाइव इंटू वन समझा ये जो आर एम जो है ना आर एम ये आर एम को मैंने पूरा खोल दिया ये आर एम को मैंने पूरा खोल दिया है सो बेसिकली क्या हो क्या रहे? देखो आरएम को पहले एक क्वेश्चन है बस समझना पड़ेगा हम लोग को सो so, आर एम क्या है मेरा आर एम है मेरा टू बाय फाइव इंटू आर ए प्लस वन बाय फाइव इंटू आर बी प्लस वन बाय फाइव इंटू आर सी प्लस वन बाय फाइव इंटू आर डी चार एसेट्स है ना मैंने आर वन आर टू अब इसको इसमें डालेंगे ना सो so, वही बाहर निकलेगा सो so, यहीं से फिर ये भी आया है जब अपने को वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालना था तो ये आर एम को रिप्लेस जब करेंगे ना तो वही आएगा मेरा समेशन पाई आई इंटू को आर आई आर एम ठीक है देख लो इसको ठीक है जैसे यहां पर क्या हो रहा है अपने को वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालना है ठीक है तो वेरिएंस ऑफ मार्केट को अपन क्या लिख सकते हैं कोवेरिएंस वेरियंट आरएम आर एम ठीक है तो अल्टीमेटली होगा वही होगा वही तो और यहां पर वेरिएंस वेरियंस मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे पहले वाले में क्या आ जाएगा को वेरियंस आर वन आर वन तो को वेरियंस आर वन आर वन इज वॉट फोर इज फोर फिर हम लोग को चाहिए वन का टू के साथ में विच इज वन फिर वन का थ्री के साथ में फिर वन का फोर के साथ में ठीक है ना सो so, इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कोवेरियंस आर टू कॉमा आर एम ठीक है और सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कोवेरियंस आर थ्री कॉमा आर एम मेनली आर एम को रिप्लेस करना है मेनली आर एम को हम लोग को रिप्लेस करना है ठीक है एक चीज देख लेना हम लोग आरएम क्या बोले समेशन पाई आई आर आई ठीक है और ये जो है ना ये ऐसे ही आया है देखो अपने यहां पर लिखेंगे कोवेरियंस वेरियंस आर एम आर एम तो पहले मैंने एक लिखा कोवेरियंस वेरियंस पाई आई आर आई कॉमा आर एम तो पाई आई बाहर आ गया और यहां पर समेशन का भी तो साइन दिया है ना समझ गया तो वो चेंज होगा बार बार आरएम इज बेसिकली समेशन सो दिस विल बिकम को वेरियंस समेशन आई आर आई कोमा आर एम तो एक समेशन पहले बाहर निकले थे समेशन पाई को वेरियंस आर एम तो आप जब पहले वन डालोगे तो वन के लिए आएंगे फिर टू डालोगे तो टू के लिए आएंगे फिर थ्री डालोगे थ्री के लिए फिर फोर डालोगे फोर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है एक बार में सबको समझ में नहीं आया हूं बेसिकली आर एम को मैंने रिप्लेस कर दिया यहां पर समेशन पाया ही कॉन्स्टेंट था बोल के बाहर आ गया ठीक है तो सिमिलरली ये तीनों मैं निकाल लूंगा सो कोवेरियंस कोवेरियंस जो है अपने बीटा का फॉर्मूला क्या था अपने बीटा का फॉर्मूला था जैसे बीटा वन अपने कैसे निकाल सकते हैं बीटा वन अपने निकालेंगे को वेरियंस आर वन आर एम होल डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ आर एम सो पहला वाला आएगा अपना इलेवन बाय फाइव बाय एट बाय फाइव सो दिस इज इलेवन बाय एट सो बीटा टू इज अगेन सिमिलरली निकालेंगे बीटा थ्री निकालेंगे और मेरे को पता है दैट समेशन ऑफ पाई आई बीटा आई वन है तो वहां से बैलेंसिंग फिगर की तरह मैं निकालूंगा बीटा फोर इसके बाद में आर आई माइनस आर एफ इज इक्वल टू बीटा आई आर एम माइनस आर एफ यहां से सारे वैल्यूज को डाल के जैसे मान लो पहला वाला आर आई जो है हम लोगों क्या बोला है तो चौदह माइनस तीन इज़ इक्वल टू पहले वाले का बीटा कितना आया था इलेवन बाई एट आर एम माइनस तीन है ना तो यहां सबसे पहले आर एम निकाल लो ग्यारह परसेंट आएगा फिर आर एम निकल गया सब तो बस सब में डालो और आंसर निकालो ये कैपिटल प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं सारे के सारे लोग मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे विथ मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन सो खाली सिस्टमैटिक रिस्क बचेगा विच इज बीटा खाली सिस्टमैटिक रिस्क बचेगा विच इज बीटा अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं बचता है राइट सो आर माइनस आर एफ इज मार्केट रिस्क प्रीमियम जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम और उस पर आर एफ एड कर देंगे देख लीजिए इसको ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा डिस्क्राइब हाउ द मर्टन मॉडल कैन बी यूज टू वैल्यू द डेट इश्यूड बाय अ कंपनी मर्टन मॉडल किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग बेसिकली ये मैंने कराया भी है बट दोबारा से देख लो इसको मर्टन मॉडल अज्यूम्स दैट अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैज इश्यूड बोट इक्विटी एंड डेट मतलब इक्विटी भी इशू किया, किया है और डेट भी इशू किया है सच दैट इट्स टोटल वैल्यू एट टाइम टी इज ऑफ एफ टी ठीक है सो बेसिकली एफ टी इज इक्वल टू वॉट ई टी प्लस डी टी एफ टी वैल्यूज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन बाई दी विच डज नॉट पे डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी और कूपन ऑन इट्स बॉन्ड्स ठीक है

दिस कैन बी रिगार्डेड एज ट्रीटिंग द इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी एज अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन द द कंपनी विथ मेच्योरिटी टाइम टी एंड स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेट तो मेरा यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ दी डेट ठीक है सो बॉन्ड का वैल्यू जो है बी टी बी टी जो है वो क्या है फॉर्म वैल्यू माइनस इक्विटी वैल्यू फॉर्म वैल्यू माइनस इक्विटी वैल्यू ब्लैक स्कोल्स मॉडल इज यूज टू वैल्यू दी कॉल ऑप्शन वेर वी एज्यूम दैट एफ टी फॉलोज जोमेट्रिक ब्राउनियन मोशन सो बेसिकली ये जो एफ टी है यह क्या फॉलो करेगा जोमेट्रिक ब्राउनियन मोशन एफ टी जो है वो क्या फॉलो करेगा जोमेट्रिक ब्राउनियन मोशन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको क्लियर है यह वाला ठीक है ओके okay. इसके बाद अ कंपनी हेज अ वैल्यू ऑफ हंड्रेड मिलियन इट्स टोटल इक्विटी इज करेंटली वर्थ फिफ्टी मिलियन एंड इट हैज ए मिलियन नॉमिनल ऑफ डेट मेच्योरिंग इन टेन ईयर रिस्क फ्री इज फोर परसेंट कैलकुलेट द इम्प्लाइडिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ दस्ट पॉइंटिंग डेट एक्सप्लेन वाई लो वैल्यू ऑफ वेगा माइट बी डिजायरेबल वेन यूजिंग द मर्टन मॉडल ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन पहले हम लोग को बोला हैिटी निकालने ठीक है सो हमारा यहां पर स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा एट्टी जो बेसिकली लोन का अमाउंट है ठीक है एसेट का वैल्यू कितना है एसेट का वैल्यू है हंड्रेड ठीक है ऑप्शन का जो वैल्यू है ऑप्शन का जो वैल्यू है सो so ऑप्शन का जो वैल्यू दैट इज फिफ्टी ठीक है सो so, अपने को बेसिकली क्या करना है अपने को सब कुछ दे दिया है इसमें अपने को टोटल वैल्यू दे दिया है ठीक है इक्विटी इज करेंटली वर्थ फिफ्टी सो so, ये बेसिकली इक्विटी का भी वैल्यू है ये बेसिकली इक्विटी का भी वैल्यू है उसके साथ ही साथ ये इक्विटी मतलब क्या कॉल ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इक्विटी मतलब क्या कॉल ऑप्शन हो जाएगा ठीक है so, सो अपने क्या करेंगे अपना एक्सेल में तो मॉडल बनाया हुआ है एक्सेल पे तो अपना मॉडल बनाया हुआ है राइट सो so, अलग अलग सिग्मा लेके ट्राई करेंगे बाकी सब तो अपने को पता चली गया अपने को रिस्क फ्री फोर्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपने को डेल्टा भी दे दिया है डेल्टा भी अपने को दे दिया है फोर परसेंट डेल्टा अपने को दे दिया है फोर परसेंट ठीक है और अपने को टेन इयर्स का टाइम दे दिया है सो so, अपना जो टाइम पीरियड है वो है टेन सब कुछ पता है खाली सिग्मा नहीं पता है अपने को कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी पता है ये अपने को कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी पता है ठीक है अपने को कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी पता है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया बस अब आपको यहां से सिग्मा निकालना है जैसे इन्होंने क्या किया सिग्मा दस परसेंट ठीक है बीस परसेंट तो दस में आ रहा है और बीस से थोड़ा क्लोज आ रहा है फिर उन्नीस पे निकाल लो तो बीस और उन्नीस के बीच में फिर अपने वो लगा देंगे एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन बाय एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ठीक है तो ये अपने लगा देंगे तो नियरेस्ट इज ट्वेंटी परसेंट नियरेस्ट इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है बहुत सिंपल था ये वेगा का डेफिनेशन अपने को पता है विच इज डेल बी डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल एफ डेल सिग्मा माइनस डेल ई डेल सिग्मा ठीक है सो बेसिकली डेल बी डेल सिग्मा इज डेल एफ डेल सिग्मा माइनस डेल ई डेल सिग्मा ठीक है सो आपने इसको निकाल सकते हैं वेगा का मतलब क्या है इसको सॉल्व करिए बेसिकली अपने को इसमें क्या करना है अपने जब यहाँ पर निकालेंगे ना अपने जब यहाँ पर निकालेंगे तो यहीं पर कर सकते हैं जैसे हम लोग क्या किया 20 और 19 पे निकाल लिया ना तो 20 और 19 पे निकाला तो सारा चीज़ निकाल लेना d1 d2 और वैल्यू ठीक है तो जैसे अपने कैसे कर सकते हैं इसको ये बहुत सिंपल है मिनट रुको मैं बताता हूं दिस इज मर्टन मॉडल राइट सो मर्टन मॉडल में बहुत इजी है ये वाला दिस इज सेप्टेंबर नाइनटीन ठीक है सो सो बेसिकली अपने क्या कर सकते हैं वेगा के लिए अ, अ, अगर आपने ये नहीं भी करे तो अगर आपने ये नहीं भी करे तो ये तो एल्जेब्रिकली हो गया टू कैलकुलेट द वेगा ऑफ द कंपनीज डेट वी कैन लुक एट द चेंज इन दैल वी कैन लुक एट द चेंज इन द कंपनीज इक्विटी वैल्यू वन परसेंट चेंज इन सिग्मा हम लोगों क्या करना है वी कैन लुक वी कैन लुक एट देंज इन दंपनीज इक्विटी वैल्यू फॉर अ वन परसेंट चेंज इन सिग्मा तो आपने जब निकाले थे ना सिग्मा बीस परसेंट के लिए भी निकाल लो और उन्नीस परसेंट के लिए भी निकाल लो सो so अपना कितना आ जाएगा फिफ्टी पॉइंट टू माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन so this is 0.5 ठीक है और वेगा नेगेटिव में आएगा माइनस 0.5 क्यों नेगेटिव में आएगा क्योंकि 20 परसेंट पे आ रहा है बेसिकली 19 पे आ रहा है उन्नीस पे आ रहा है फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन ठीक है उन्नीस पे आ रहा है फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन ठीक है एंड ट्वेंटी पे आ रहा है ट्वेंटी uh, पे आ रहा है फिफ्टी पॉइंट टू ठीक है ठीक है देख लो इसको तो ये लोग क्या बोलता है ये लोग और एक चीज क्या बोलता है एज द कंपनी वैल्यू इज फिक्स एज द कंपनी वैल्यू इज फिक्स इज मेड अप ऑफ ओनली डेट एंड इक्विटी एन इंक्रीज इन द इक्विटी वैल्यू लीड्स टू एन इक्वल डिक्रीज इन द डेट वैल्यू एंड वाइस वर्दा आपने वो क्या बोला है वेगा ऑफ कंपनीज डेट निकालिए तो कंपनीज डेट निकालने बोला है इसीलिए हम लोग यहां पर माइनस किए क्यों क्योंकि इक्विटी से बना हुआ है और डेट से बना हुआ है इक्विटी से बना हुआ है और डेट से बना हुआ है राइट right? इक्विटी से बना हुआ है और डेट से बना हुआ है तो अगर मान लो इक्विटी का गिर बढ़ता है तो डेट का वैल्यू गिरेगा क्योंकि जो फर्म वैल्यू है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा इसीलिए यहां पर नेगेटिव आया ठीक है थीके? इसीलिए यहां पर नेगेटिव आया है एंड जैसे एक छोटा सा मैं करके भी दिखा देता हूं एक छोटा सा मैं जैसे करके भी दिखा देता हूं इसका जो पार्ट एम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाला जो पार्ट था इंप्लाइड वोलेटिलिटी वाला जो पार्ट था सिग्मा अगर हमारा बीस परसेंट है तो क्या हो जाएगा डी वन का जो वैल्यू है डी वन का जो वैल्यू है वो आएगा एलेन हंड्रेड बाई एट्टी ठीक है प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर प्लस हाफ इंटू जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो फोर प्लस हाफ इंटू जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर इंटू टेन होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू रूट अंडर टेन ठीक है सो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री जीरो वन फाइव फिर इसके बाद में हम लोग निकालेंगे डी वन के बाद में हम लोग निकालेंगे डी टू सो डी टू इज वॉट डी टू इज डी वन माइनस जीरो पॉइंट टू रूट अंडर टेन ठीक है और फिर हम लोग इसको डालेंगे इक्वेशन में इक्वेशन में हम लोग इसको डालेंगे सो विच इज हंड्रेड पाई ऑफ डी टू विच इज वन पॉइंट फाइव फाइव जीरो नाइन ठीक है ना फाइव ऑफ डी वन डी एक सेकेंड एक सेकेंड d1 अपना आया ओ d2 अपना कितना आया d2 अपना आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन जीरो ठीक है एंड ये गलत लिखा मैंने दिस विल बी हंड्रेड फाइव डी वन क्योंकि कॉल ऑप्शन है सो दिस विल बी फाइव ऑफ वन पॉइंट थ्री जीरो वन फाइव माइनस 80 ई टू दाइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन पाई ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन जीरो ठीक है ना तो so, यहां से अपना आ जाएगा फिफ्टी पॉइंट टू To calculate the Vega of the company's debt, we can look at the change in the company's equity value for a 1% change in sigma. As the company's value is which is fixed, is made up of only debt and equity, and increase in the equity value leads to an equal increase in the debt value and vice versa. ठीक है, तो हमलोग क्या किये 19 से 20% वाला किये। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, बोलता है डिजायरेबिलिटी ऑफ़ अ लो वेगा। डिजायरेबिलिटी ऑफ़ अ लो वेगा द वोलेटिलिटी ऑफ अ कंपनीज वैल्यू इज नॉट डिरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड इज नॉट ईजी टू एस्टिमेट ठीक है इट इज देयर फॉर डिजायरेबल टू यूज अ मॉडल वेयर द आउटपुट इज रिलेटिवली इनसेटिव एक ऐसा मॉडल यूज करेंगे वेर द आउटपुट आउटपुट इज आउटपुट इज रिलेटिवली आउटपुट इज रिलेटिवली रिलेटिवली इनसेव टू दोलेटिलिटी फिगर बिकॉज दिस विल गिव अ मोर एक्ट एंसर इवन इफ अवर एस्टिमेट ऑफ द वोलेटिलिटी इज रॉन्ग ठीक है क्या बोलते हैं इट इज देयर फॉर डिजायरेबल टू यूज अ मॉडल वेर द आउटपुट इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू द वोलेटिलिटी फिगर टू दोलेटिलिटी फिगर बिकॉज दिस विल गिव अर एक्ट आंसर इवन इफ अवर एस्टिमेट ऑफ दोलाटिलिटी इज रॉन्ग मैंने बोलने का मतलब क्या है आउटपुट जो होना चाहिए वो इनसेव होना चाहिए टू द वोलाटिलिटी फिगर तो क्यों क्योंकि अगर मान लो एस्टिमेट वोलाइटिलिटी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो भी अपने को जो आंसर मिलेगा वो कुछ हद तक सही मिलेगा ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन ठीक है देख लो इसको क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए ठीक है राइट ऑन द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्टेटिस्टिकल मॉडल फॉर अ क्लेम्स रन ऑफ ट्राइंगल डिफाइनिंग ऑल टर्म्स यूज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सो so, अभी हम लोग ये वाला पहले करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो जनरल फॉर्म है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो जनरल फॉर्म लोग को डिफाइन भी करना पड़ेगा तो so, uh, लिख लेना पूरा जनरल फॉर्म फॉर दी इंक्रीमेंटल क्लेम्स इंक्रीमेंटल क्लेम्स का नाम क्या होता है सी जे सो क्या होता है आई जे इज इक्वल टू आरजे एस आई एक्स आई प्लस जे प्लस ई आई जे अब यहां पर देखो Rj है si, क्या Rj इज द डेवलपमेंट फैक्टर फॉर ईयर जे रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम पेमेंट्स इन ईयर जे डेंट ऑफ दी ओरिजिन इो है मेरा डेवलपमेंट फैक्टर है रेप्रेजेंटिंग दी प्रपोर्शन ऑफ क्लेम पेमेंट इन ईयर जे एस आई अ पैरामीटर वैरिंग बाई ओरिजिन ईयर ये आप लोग सोल्यूशन uh, में चले जाइएगा वहां पर देख लीजिएगा मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं इसके बाद में एस SI आई क्या है मेरा एस SI आई क्या है एस आई इज द पैरामीटर वैरिंग बाई ओरिजिन ईयर आई रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोजर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्लेम्स इनकर्ड इन दरिजिनियर आई ठीक है एस SI आई का मतलब क्या है एस आई इज अ पैरामीटर वैरिंग बाई ओरिजिनियर आई रिप्रेजेंटिंग एक्सपोज़र, नंबर ऑफ क्लेम्स इनकर्ड एक्स आई प्लस जे सो एक्स आई प्लस जे क्या है एक्स आई प्लस जे एक्स आई प्लस जे क्या है बैटरी ओके सो एक्स आई प्लस जे क्या है इज अ पैरा फॉर एग्जाम्पल रेप्रेजेंटिंग इनफ्लेशन और मेरा जो ई आई जे है दस आई प्लस जे इज अ पैरा मीटर वैरिंग बाई कैलेंडर ईयर फॉर एग्जाम्पल रेप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन ठीक है द टेबल बेलो शोज द क्यूमुलेटिव इनकर्ड क्लेम्स ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ठीक है एक्सीडेंट या डेवलपमेंट इ कंपनी डिसाइड टू अपलाई दिसाइड्स टू अपलाई बी एफ मेथड टू कैल्कुलेट द रिजर्व विदम्पशन अल्टीमेट लॉस रेशियो इज एटी परसेंट क्लेम्स आर एज्यूम टू बी फुल्ली रनऑफ बाई डेवलपमेंट इन अर्न प्रीमियम दो हजार अट्ठारह इज थ्री हंड्रेड एंड देड क्लेम्स फॉर दो हजार अठारह आर हंड्रेड ट द रिजर्व इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट ईयर दो हजार अट्ठारह सो खाली दो हजार अट्ठारह के लिए ही हम लोग को बोला है करने ठीक है बट इसको हम लोग करेंगे तो अच्छे से ही ओके okay. आप लोग चालू करिए ट्राई करना सो so, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं बी एफ मेथड का क्वेश्चन है सो डेवलपमेंट फैक्टर निकालेंगे डेवलपमेंट हम लोग को क्या दिया क्यूमुलेटिव इनकर्ड क्लेम्स दे दिया है तो so, सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे डेवलपमेंट फैक्टर टू से थ्री सो टू से थ्री क्या हो जाएगा ईयर टू से ईयर थ्री सो दिस विल बी वन बाय वन एट्टी फिर हम लोग निकालेंगे डेवलपमेंट फैक्टर वन से टू ठीक है तो वन से टू कैसे निकालेंगे इट विल बी वन एट्टी प्लस वन एट्टी फाइव होल डिवाइडेड बाय वन थर्टी प्लस वन फोर्टी ठीक है ना समझ गया ना अपने को क्या दे दिया है क्यूमुलेटिव इनकट दे दिया है ठीक है ओके तो ये अपना आ गया उसके बाद में अपने को निकालना पड़ेगा ये बहुत इजी है बॉन्ड वेटर फॉगुसन मेथड इज वेरी इजी, अपने को ये भी दे दिया है अर्नड प्रीमियम दे दिया है एंड दी पेड क्लेम्स दे दिया है अर्नड प्रीमियम दे दिया पेड क्लेम्स दे दिया ठीक है अपने को इनिशियल निकालना पड़ेगा राइट इनिशियल निकालना पड़ेगा इनिशियल लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा अब जैसे याद आ रहा है बॉन्ड वेट ऑफ ऑगोसन मेथड में हम लोग क्या करते थे हम लोग पीछे लेके आते थे ठीक है और देखो हम लोग को एक्सीडेंट uh, ईयर 2018 में वो लोग रिपोर्टेड लाइबिलिटी दे दिया है सो द रिपोर्टेड लाइबिलिटी इज हाउ मच रिपोर्टेड लाइबिलिटी वन ठीक है अल्टीमेट लाइबिलिटी क्या होता है रिपोर्टेड लाइबिलिटी प्लस इमर्जिंग लाइबिलिटी राइट रिपोर्टेड लाइबिलिटी प्लस इमर्जिंग लाइबिलिटी तो अभी अपने बोला फैक्टर बनाएंगे ठीक है सो अभी अपने क्या निकालेंगे इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद में हम लोग निकालेंगे इमर्जिंग लाइबिलिटी सो इमर्जिंग लाइबिलिटी फॉर 2018. So this is very simple. So this is initial ultimate liability. So initial ultimate liability. Uh, देखो यहाँ पर हम लोग को दे दिया है. Earned premium for 2018 is 300, and the paid claims for 2018 are 100. ठीक है? So initial. अपने कैसे निकालेंगे? हंड्रेड का एट्टी परसेंट अर्न प्रीमियम इंटू लॉस रेशियो ठीक है अर्न प्रीमियम इंटू लॉस रेशियो इंटू वन माइनस वन माइनस वन बाय अब दोनों डेवलपमेंट फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन पॉइंट जीरो फाइव 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 सिक्स इंटू वन पॉइंट थ्री फाइव वन एट फाइव ठीक है सो दिस विल बी अवर इमर्जिंग लाइबिलिटी ठीक है अब उसके बाद में अपने को रिपोर्टेड लाइबिलिटी दे दिया है रिपोर्टेड लाइबिलिटी अपने को दे दिया वन फिफ्टी अल्टीमेट so, लाइबिलिटी जो है वो कैसे आएगा 150 फिफ्टी प्लस सेवेंटी सो दिस इज 221.8 ठीक है और अपने को बोला है पेड इज 100 तो so, रिजर्व कितना के लिए बनाएंगे रिजर्व बनाएंगे 221.8 से so, 100 लेस करेंगे So, कितना आएगा वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट ठीक है इसको देख लीजिए आराम से इसको देख लीजिए आराम से इसको एकदम आराम से देख लीजिए बहुत सिंपल है ये वाला सो बी एफ मेथड में बी एफ जो मेथड है वो बहुत सिंपल है क्यूमुलेटिव क्लेम्स टेबल कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स कैलकुलेशन ऑफ लॉस रेशियो इफ नॉट इन क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल लाइबिलिटी फॉर ईच एक्सीडेंट ईयर कैलकुलेशन ऑफ इमर्जिंग लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सो लॉस रेशियो अपने को दिया हुआ था डेवलपमेंट फैक्टर्स अपने निकाले उसके बाद में सबसे पहले अपने निकालेंगे इनिशियल लाइबिलिटी विच इज अंड प्रीमियम इंटू लॉस रेशियो सो ये अपने निकाल लिए ये रा ये अपने निकाल लिए ये रा ये अपने निकाल लिए इसके बाद में अपने निकालेंगे इसके बाद में अपने निकालते हैं इमर्जिंग लाइबिलिटी सो so, इमरजिंग लाइबिलिटी कैसे निकालना है इमर्जिंग लाइबिलिटी अपने कैसे निकालेंगे जैसे इट इट विल बी 240 फोर्टी माइनस टू फोर्टी डिवाइडेड बाई एफ वन टू इन टू एफ टू थ्री वही मैंने किया है ठीक है ना वही तो मैंने किया है ये वाला हो गया तो यहां से अपना क्या आ जाएगा इमर्जिंग लाइबिलिटी और फिर अल्टीमेट लाइबिलिटी निकाल लेंगे ठीक है अल्टीमेट लाइबिलिटी निकाल लेंगे सो अल्टीमेट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे जो दिया हुआ है विच इज uh, अपने को बोल दिया ना वन फिफ्टी इज द रिपोर्टेड एंड प्लस जो इमर्जिंग लाइबिलिटी है ठीक है सो बी एफ मेथड इज वेरी सिंपल इसके बाद में दिस इज डन ठीक है ना दिस इज डन Uh, इसके बाद में वी हैव वन मोर क्वेश्चन वी हैव वन मोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन देखिए उसको रीड करना चालू करिए वी हैव वन मोर क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है an insurer writes policies that insure policyholders against losing their mobile phone. Okay. each policy pays 500 at the end of the year if the policyholder loses their phone during the year. the insurer has carried out research on mobile phone losses in the general population, which showed that there is a 10% chance of an individual losing their phone in a one-year period. to allow for expected claims and a profit margin, the insurer sets the annual premium at 125. premiums are paid at start. इंश्योर राइट टेन पॉलिसीज एन एज नो एस पॉलिसीज आर रिटर्न इश्योर एज्यूमिस एट द ईयर ठीक है सो so, कितना प्रीमियम लिया वो वन ट्वेंटी फाइव करके दस लोग से तो ट्वेल्व फिफ्टी इज द प्रीमियम ठीक है सो नो क्लेम्स में क्या हो जाएगा नो क्लेम्स इज वॉट जीरो पॉइंट नाइन टू दावर टेन उसके बाद में वन क्लेम का क्या हो जाएगा दस तरीके से वो हो सकता है ठीक है टू क्लेम्स तक भी चल जाएगा बिकॉज क्लेम में पांच सौ देना है सो इट विल बी फोर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट नाइन टू दी पार एट ठीक है सो बेसिकली तीन में वो रूइन हो जाएगा नो क्लेम्स प्लस वन क्लेम प्लस टू क्लेम्स नो क्लेम्स प्लस वन क्लेम प्लस टू क्लेम ठीक है करिए इसको करिए इसको टेन सी टू इज फोर्टी फाइव ठीक है क्वेश्चन एकदम सिंपल है 125 प्रीमियम देगा क्लेम होने पे 500 क्लेम होने का प्रॉबिलिटी 10 परसेंट एक प्रीमियम है क्लेम पे 500 एंड क्लेम होने का प्रॉब्लिटी 10 परसेंट ठीक है आफ्टर वन ईयर द इंश्योर रिसीव टू क्लेम्स स्टेट टू फैक्टर्स रिलेटिंग टू पॉलिसी होल्डर बिहेवियर विच मे गिव टू द इंश्योर मोर क्लेम्स एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनिंग फॉर इच फैक्टर हाउ इट मे अराइज इन दिस केस तो सबसे पहले तो तुम्हारा एक मोरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन ये दोनों अपने कली किए थे सो so, एक अपना आ जाएगा मोरल हजार्ड और एक अपना आ जाएगा एडवर्स सिलेक्शन सो एडवर्स सिलेक्शन के लिए क्या बोला है डिस्क्राइब्स द फैक्ट दैट पीपल हु नो

मोरल अजर्ड मेक्स इंश्योरेंस मोर एक्सपेंसिव सो बेसिकली इंश्योरेंस बोलकर हम ध्यान ही नहीं देंगे ऐसा इट मेन पुश दी प्राइस ऑफ इंश्योरेंस अब मैक्सिम प्रीमियम दैटर्सन इज प्रिपेयर टू पे बिकॉज जितना क्लेम्स होगा उसके हिसाब से रीप्राइसिंग होगा अल्टीमेटली बढ़ जाएगा प्राइस इंश्योरेंस का ठीक है एक्सप्लेन हाउ इंश्योरेंस टिपिकली रिड्यूस द रिस्क पोस्ट बाय द फैक्टर्स To try and reduce the problems of adverse selection, insurance companies try and find out lots of information about potential policyholders or information. Hoga policy Policyholders can then be put in small, reasonably homogeneous pools and charged appropriate premiums. Appropriate premiums of charge by making small homogeneous groups. Insurers might also ensure that the payout is proportionate to the loss incurred. Hai? So basically, payout is proportionate to the loss incurred.

All ten policyholders remain with the insurer for another year, and all still have a 10% chance. The insurer decides that premiums for year two will be x per policy, but with a 25% discount for any policyholders who did not claim in year one. Hai. Calculate the base premium x that the insurer should charge to achieve a probability of ruin in year two of no more than 5%. Okay. So basically, because 1250 था तो दो लोग क्लेम किए सो so, 250 फिफ्टी प्लस एट इंटू एट इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव एक्स को डिस्काउंट मिलेगा प्लस जो लोग भी क्लेम किए वो लोग पूरा पूरा देंगे, so, this is nothing but 250 ठीक है? नो क्लेम्स का क्या हो जाएगा नो no क्लेम्स का अगेन इट विल बी जीरो पॉइंट नाइन टू दावर टेन ठीक है वन क्लेम वन क्लेम का क्या हो जाएगा इट विल बी टेन इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट नाइन टू दावर नाइन अगेन टू क्लेम्स टू क्लेम्स का फोर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट नाइन टू दावर एट ठीक है थ्री और मोर थ्री और मोर का क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो वन टू मैंने समझ गया ना जीरो वन और टू का जो क्लेम्स है तो बेसिकली ये मेरा आएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो टू ठीक है और एक चीज इसके बाद में थ्री क्लेम्स का क्या हो जाएगा थ्री क्लेम्स का इट विल बी टेन सी थ्री जीरो पॉइंट वन टू दी पार थ्री जीरो पॉइंट नाइन टू ठीक है तो फोर और मोर का क्या हो जाएगा और so मोर का हो जाएगा वन माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री समझ गया ना तो ये मेरा आएगा ये वाला मेरा आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन टू एट ठीक है सो बेसिकली देखो फोर और मोर क्लेम्स का क्या आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन आ रहा है फोर और मोर क्लेम्स का एंड थ्री और मोर क्लेम्स का क्या आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो सेवन इसको अपने को पांच परसेंट के अंदर अंदर रखना था तो ये तो पांच परसेंट एक्सीड कर जा रहा है एंड फोर और मोर का क्या आ रहा है फोर और मोर का आ रहा है पांच परसेंट से कम फोर और मोर का आ रहा है पांच परसेंट से कम तो इसका मतलब क्या है टू कीप द रूइन प्रोबेबिलिटी टू कीप द रूइन प्रोबेबिलिटी बिलो फाइव परसेंट अगर रूइन प्रोबेबिलिटी को पांच परसेंट से नीचे रखना है इंश्योर नीड्स इनफ एसेट्स इंश्योर इंश्योर नीड्स इनफ एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर टू कवर थ्री क्लेम्स माने तीन क्लेम जितना उसके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि फोर और मोर का जो प्रोबेबिलिटी है वो पांच परसेंट से कम है ठीक है सो so, मतलब उसको मिनिमम पंद्रह सो चाहिए उसको मिनिमम पंद्रह सो चाहिए सो टू फिफ्टी प्लस एट एक्स तो यहां से मेरा एक्स आ जाएगा एंड एक्स मेरा आएगा 156, 156 X मेरा आएगा 156 बहुत सिंपल क्वेश्चन था मैंने नो क्लेम वन क्लेम टू क्लेम निकाला ठीक है सो नो क्लेम नो क्लेम वन क्लेम टू क्लेम निकाला थ्री और मोर निकालने के लिए तीनों को माइनस कर दिया वन से तो मेरा ये आ रहा है पांच परसेंट से ज्यादा फिर मैंने क्या किया थ्री क्लेम निकाला तो थ्री क्लेम निकाला मैंने मैंने थ्री क्लेम निकाला थ्री so क्लेम निकालने से कितना आ रहा है मेरा थ्री क्लेम निकालने से आ, फिर मैंने थ्री क्लेम वाले को भी माइनस कर दिया थ्री क्लेम वाला जो भी आ रहा था थ्री क्लेम वाले को माइनस करने से मतलब फोर और मोर वन माइनस करके निकाला तो फोर और मोर का मेरा जो आ रहा है तो फोर और मोर का मेरा जो आ रहा है इट इज जीरो पॉइंट जीरो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है फाइव परसेंट से कम का अगर रूइन प्रोबेबिलिटी है तो और मोर पे ही बैठेगा। मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि मैं तीन क्लेम को कवर इतना पैसा होना चाहिए सो वी डिड ट्वेंटी थ्री का पूरा राइट हमने चालू किया सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री हमने किया अप्रैल ट्वेंटी थ्री हमने किया एप्रिल हमने किया सितंबर 19 अब हम लोग करेंगे सितंबर 22 ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं